हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी लेटर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 12 के बारे में। और ये जो है अभी बीटा वर्जन है, और मैं अभी जो है रेडमी के 20 प्रो पे जो है इसको चला रहा हूँ। और ये जो है पिक्सेल 5 के ऊपर बेस्ड है, जो के 20 प्रो के लिए जो है पोर्ट किया गया है। और इसमें जो है आपको क्या क्या मिलता है, और ये जो है बीटा 5 है, और इसमें काफ़ी सारा जो है चेंजेस किया गया है, और काफ़ी सारा चीज़ें जो है अपग्रेड किया गया है, और आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अबाउट सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डिवाइस नेम जो है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं पिक्सेल 5 लिखा गया है, क्योंकि ये पिक्सेल 5 से जो है पोर्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 12, और पिक्सेल 6 के साथ जो स्टेबल वाला वर्जन है एंड्रॉयड 12 का, वो भी आ जाएगा। और हमें जो है अलग अलग डिवाइस पे जो है एंड्रॉयड 12 भी मिल जाएगा, और स्टेबल वाला वर्जन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है चेंजेस किया गया है, अगर आप एंड्रॉयड 12 के ऊपर ऐसे टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर टाइम जो है आप 12 कर देंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से एनिमेशन आता है, और काफ़ी ज़्यादा जो है कूल लगते हैं। और फिर यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सितंबर का सिक्योरिटी पैच, और ये सभी जो है अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन पे है। एंड उसके बाद अगर आप सेटिंग देखेंगे तो कंप्लीट यूआई पे जो है चेंजेस आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी पे अगर आप आएंगे तो इसका जो डिज़ाइन है कंप्लीट चेंज किया गया है, और ऑप्शन वगैरह भी इधर उधर कर दिया गया है। और फिर अगर आप यहाँ ऐप पे आएंगे तो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन फिर भी और जो आइकन स्टाइल वगैरह है, थीम वगैरह है, वो थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, बाकी सेटिंग पे सेम ही है। और उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन रिलेटेड काफ़ी सारा जो है आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड फिर अगर बैटरी की बात करूँ तो बैटरी का जो यूआई है यहाँ पे भी चेंजेस किया गया है। एंड यहाँ पे आपको जो है बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड फिर यहाँ पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं, डिस्प्ले पे भी जो है आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और एडाप्टिव ब्राइटनेस वगैरह और एम्बिएंट डिस्प्ले रिलेटेड है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। फिर और साउंड वगैरह पे भी आपको जो है ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सेटिंग का जो कंप्लीट यूआई है काफ़ी सारा जो है आपको वो आपको चेंजेस देखने को ज़रूर मिल जाता है, और बाकी सेम ही है। और अगर मैं कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे टैप करके रहेंगे तो यहाँ पे वॉलपेपर और स्टाइल्स यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे जो है आप काफ़ी सारा जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ, जैसे कि जो एक्सेंट कलर वगैरह है वो यहाँ से जो है आप चेंज कर सकते हो। और अगर आप कोई भी वॉलपेपर अगर आप यहाँ से चेंज करोगे तो उसके हिसाब से जो है आपका जो एक्सेंट कलर वगैरह है ये सभी जो है चेंज हो जाएगा। और आपको जो है यहाँ पे डार्क मोड भी ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप ग्रिड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और जो ये थीम आइकन है वो भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये नॉर्मल सा जो आइकन वगैरह होते हैं गूगल ऐप्स का वो ही रहेगा, लेकिन अगर आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ जो है आपको ये नया वाला आइकन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और बाकी एक्सेंट कलर जो बेस कलर है वो सभी जो है आपको ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे काफ़ी सारा विजेट्स जो है आपको मिलेगा, तो फिलहाल अभी ज़्यादा विजेट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्लॉक रिलेटेड जितने भी विजेट्स थे वो सभी जो है यहाँ पे आ गया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसमें अगर आप डार्क मोड ऑन कर देंगे तो इसका एक्सेंट कलर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है, और आइकन वगैरह भी जो है ब्लैकिश हो जाता है डार्क मोड के साथ। एंड फिर यहाँ से जो है थोड़ा सा डिज़ाइन जो है चेंजेस किया गया है, और जो इसका कंट्रोल सेंटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है कस्टमाइज कर दिया गया है। अभी यहाँ पे जो है आपको लॉक स्क्रीन भी जो है काफ़ी अच्छा जो है कर दिया गया है,
और मुझे पर्सनली और लॉक स्क्रीन जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और बाकी मैं अभी K20 Pro पे जो है इसको चला रहा हूँ, और इसका जो अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा अभी नहीं है, आपको काफ़ी सारा जो है बग देखने को मिल जाता है। और अगर आप यूट्यूब वगैरह पे अगर वीडियोस देख रहे हो इस रोम के साथ, इस पोर्ट रोम के साथ, तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूट्यूब पे भी लैग देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप एंड्रॉयड 12 का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर भी नॉर्मल यूजेस के लिए जो है अभी इतना अच्छा नहीं है। जब इसका स्टेबल वर्जन आएगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है इस रोम के साथ, और उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।